greetings everyone welcome to the channel in today's video we are going to discuss the newspaper of 11th of july 2023 and i heartily welcome you all to the analysis in this particular analysis we are going to keep our discussion very crisp and to the point and therefore the editorials are the most vital part for your preparation and therefore we are going to quick start with the first editorial discussion that is ai's disruptive economy impact and checks on india so, the development that we see with respect to artificial intelligence on all of that, whether it's a good sign or a bad sign, that has to be checked, right? So, this particular editorial gives us very beautiful insights and very beautiful facts with respect to AI, is concerned. So, he tells you that large language models, please remember these are LLM, it is the language based on which artificial intelligences are designed, and generative AI. AI generative means which are capable of generating new kind of information from already available information now this has sparked more interest in the progress of ai across the globe right so this is starting with a very positive note but then there are ethical debates also ongoing ethical debates so these are the lopsided effects or the negative effects of the artificial intelligence on the use of generative ai have subsided now he tells you author tells you that since we द वर्ल्ड इज़ राइट नाउ रिकोगगनाइजिंग कि भाई ए आई को इनकॉर्पोरेट करने से प्रोडक्टिविटी जो है इंडस्ट्रीज़ का बढ़ेगा इसीलिए जो एथिकल और मॉरल डिबेट्स थे ए आई के डिसरप्शंस पे वो सब गायब हो चुके हैं आजकल और आज एक अपर हैंड जो है इंडस्ट्री को मिल रहा है राइट right? तो ए आई का जो यूज़ है जो ए आई का जो यूज़ है वो पॉजिटिव साइड्स पे आज इंडस्ट्री देख रही है लेकिन उसके क्या निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें अभी हमें डिस्कस करनी है द सब्जेक्ट्स ऑफ वर्कर रिप्लेसमेंट्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विद द राइज ऑफ ए आई हैव एंटर्ड द स्पायरल दैट इंटरनेट वंस वेंट थ्रू एंटर्ड द स्पायरल मतलब गायब हो गया है चर्चा से ठीक है दैट इंटरनेट वंस वेंट थ्रू तो पहले शंका होती थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रिप्लेस नाउ कैन ए आई रिप्लेस वर्कर्स सो वॉट इज द रिसेंट स्टडी कंडक्टेड ऑन इट तो अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा स्टडी कंडक्ट हुई यूरोपियन यूनियन में और एक ब्रॉड कंसेंसस निकला है कि अगर आपने ए को अडॉप्ट कर लिया राइट right, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही बढ़ेंगे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जनरेटिव ए हो सकता है डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ को ना रिप्लेस करे लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ जो ए आई जनरेटिव ए को यूज़ कर रहे हैं वो डेफिनेटली आजकल कल इम्पॉर्टेंट मा जाएंगे यानी कि एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स हैं राइट हु नो हाउ टू यूज़ ए आई आर मोर एम्प्लॉयबल इन कम्पेरिजन टू वर्कर्स हु डू नॉट यू नो ए आई वर्कर्स इनको ए आई के बारे में नहीं पता है तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जॉब रिप्लेसमेंट क्रिएट हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में कोई नहीं चेंज करेगा वर्क को लेकिन वर्कर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कही कहीं ना कहीं अडॉप्ट जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा एक रीसेंट सर्वे हुआ है लिंगडिन के टॉप फिफ्टी कंपनीज़ में यूनाइटेड स्टेट्स में उसमें कहा गया कि सेवेंटी फाइव सेवेंटी परसेंट ऑफ़ देम फाउंड ए आई हेल्पिंग देम टू बी फास्टर स्मार्टर एंड मोर प्रोडक्टिव तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्कर्स का खुद का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको फास्टर स्मार्टर और प्रोडक मोर प्रोडक्टिव बना देगा और हमारा जो जी है जो ग्लोब का जीडीपी है उसको भी काफ़ी ऊपर पहुंचाने में एआई कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल तो एक पीडब्ल्यूसी का रिसर्च है एक स्टडी है जिसमें कहा गया कि ग्लोबल जीडीपी जो है वो 14 परसेंट से बढ़ जाएगा बाय 2030 थर्टी ड्यू टू ऑन गोइंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस रिपोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया कि जनरेटिव ए के पास पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन लाइक आउटपुट क्रिएट कर सकता है और उसकी एबिलिटी है कि कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन करेगा मतलब कम्युनिकेशन बैरियर्स को ब्रेक डाउन कर सकता है बिटवीन ह्यूमंस एंड मशीन्स और जिसके अल्टीमेटली मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स यानी पूरी इकोनॉमी में लार्जली ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर होंगी मूविंग फर्दर है टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच हैव बीन रेज इन दिस पर्टिकुलर सर्वे एंड हैड डिफरेंट आंसर्स वर दिस सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्या ए से ग्रोथ रेट पर कैपिटल इनकम में ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है तो 44 परसेंट लोगों ने यूएस में कहा कि कहीं ना कहीं सब्सटैशियल इंक्रीज़ होगा अगर आप ए को अडॉप्ट करोगे तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी क्योंकि आपकी वैल्यू इंडस्ट्री में बढ़ेगी लेकिन फोर्टी लोगों ने लार्जली लोगों ने कहा कि ये कोई निश्चित रूप से तय नहीं कर सकते कि ए को अडॉप्ट करने से इनकम बढ़ेगी ये हम पक्का पक्का नहीं कह सकते ठीक है पॉइंट नंबर वन ये याद रखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो था एनालिसिस में आपको ये समझना है कि रिपोर्ट अल्टीमेटली किस तरफ पॉइंट आउट कर रही है राइट right? दूसरा क्वेश्चन था कि क्या जनरेटिव ए आई चैट बॉर्ड्स पर अगर हम बैन कर दें है ना इफ़ यू पुट अ बैन ऑन दीज चैट बॉर्ड्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा हैं तो क्या ये नेशनल in इनोवेशन पे नगेटिव इम्पैक्ट करेगा तो सिक्सटी टू परसेंट यूरोपियन एक्सपर्ट्स का मानना था कि हाँ ऐसा होगा बैन जो करोगे आप तो इनोवेशन पर कहीं ना कहीं रुकावट होगी और इनोवेशन हिंडर होगी फोटीन परसेंट लोगों का श्योर नहीं था और दो परसेंट लोग ही डिसअग्री किए यानी कि एक तरफ़ से हमें यह समझ में आएगा कि ए आई चैटबोर्ड्स को ए आई चैट ए आई पे बैन जो आप कर रहे हो राइट ए आई पे जो आप बैन कर रहे हो उसमें लोग लार्जली डिसअग्री कर रहे हैं मतलब लोग कह रहे हैं कि इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ये हमें नहीं पता वी डोंट नो वी डो नॉट नो कि ए आई को अडॉप्ट करने से इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी लेकिन आउटराइट बैन करना जो है वो तो उसके फेवर में नहीं है तो ये निष्कर्ष हमें निकल के आ रहा है इन दोनों बातों से निगेटिव इम्पैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आखिरकार क्या हो सकते हैं तो सबसे पहला डिबेट जो लेबर रिप्लेसमेंट पे चलता है उसको डिस्कस करते हैं ए जो है आपके रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकता है कोई ऐसा काम जो बार बार करना रहे वो ए बहुत आसानी से सीख सकता है आप प्रोग्राम कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को राइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब जनरेटिव ए आ जाता है तो क्रिएटिव टास्क भी हैं वो काफ़ी आसानी से और काफ़ी तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है लेकिन रोबोट एडोपशन का वर्कर्स पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है ऑन एवरेज देखा गया कि इसमें जो लेबर शेयर है एम्प्लॉयमेंट है और जो वेजेस हैं वो वर्कर की कम हो जाएंगी देखिए अब स्किल जिसके पास होगा यानी कि अल्टीमेटली ये है कि स्किल जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है तो स्किल बेस्ड वर्कर्स जो हैं उनको हो सकता है फ़र्क ना पड़े लेकिन जो लार्जर वर्कर्स हैं जो सिर्फ ब्लू कॉलर वर्कर्स इनको हम कहते हैं वर्क फोर्स जो मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में काम करती है एक ही तरह का काम करती है उसमें स्किल्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता उनके साथ दिक्कत बढ़ सकती है बिकॉज़ अल्टीमेटली उनका जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो भी क्या रहता है कम रहता है मूविंग फर्दर राइट वट आर द सम ऑफ द मेजर चैलेंजेस पोज बाय ए आई एज पर द ऑथर तो मेजर चैलेंजेस जो हैं वो प्रोडक्टिविटी तो आपकी एक तरफ बढ़ा रहा है लेकिन वर्कर का शेयर आपके ग्रोथ में कम हो जाएगा वर्कर का शेयर अगर कम हो जाएगा ग्रोथ में तो वर्कर का इंपॉर्टेंस भी जो है इंडस्ट्री में वो कम हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे उनके पास एडवांटेज है विनर टेक्स इट ऑल जिसको कहते हैं फर्स्ट मूवर अप्रोच तो जो पहले आई ले आएगा उसके पास फायदा ही फायदा है, फाएदा है. और इनकम इनिकवालिटी भी प्रमोट हो सकती है इंडस्ट्री का ऑटोमेशन जो है उससे लेबर पार्टिसिपेशन में गिरावट आ सकती है और अल्टीमेटली उनकी इनकम पे लेबर के इनकम पे गिरावट आ सकती है एआई इस तरीके से काफ़ी डिस्ट्रप्टिव हो सकता है क्योंकि ये सारे के सारे मिडिल क्लास को और वाइट कॉलर जॉब्स को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेगा सिमिलरली एक इंस्टेंस शेयर करते हैं ऑथर कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए थे उसके साथ जो लोअर पेड फार्म जॉब्स थे जहाँ पे लोग पहले खेतों में काम करते थे वो फिर अब मशीनों में काम करने लग गए और इंडस्ट्रीज़ में काम करने लग गए तो एक शिफ्ट हुआ वर्किंग क्लास का शिफ्ट हुआ और कुछ सेक्शन यू में ये भी सजेस्ट करते हैं कि ए आई ऑगमेंटेड इंडस्ट्रीज़ जो हैं उससे काफ़ी ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट होंगी रिप्लेस कम होंगी क्रिएशन ज़्यादा होगा ऐसा कुछ लोगों का मानना है लेकिन इसमें मेन आर्ग्यूमेंट क्या है आखिरकार ऐसा लोग क्यों बिलीव करते हैं तो कहते हैं सिक्सटी परसेंट ऑफ द वर्कर्स जो हैं जो भी किसी भी ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉयड हैं ये 60 परसेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं 1940 के पहले ये काम हुआ भी नहीं करते थे 85 फाइव परसेंट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो आया है पिछले 80 सालों में वो टेक्नोलॉजी की वजह से आया है टेक्नोलॉजी की वजह से नए पोजिशन क्रिएट हुई हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किए तो नया जॉब क्रिएट हुआ है इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है इंडिया एक बहुत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलस कंट्री है और यहाँ पे अल्टीमेटली उसके एम्प्लॉयमेंट पे किसी भी तरीके से फ़र्क पड़े वो ये नहीं झेल सकता इसीलिए इंडिया के वर्कर्स जो सारे के सारे खेतों में काम करते हैं उनमें टेक्नोलॉजी ड्रिवेंट जॉब्स के प्रति जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत कम है तो वो उनके फेवर में तो नहीं जाता है इंडिया को इसीलिए लिए ए आई बेस्ड एजुकेशन और ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि देख रहे हैं कि चाइना जो है वो एक बहुत बड़ा राइवल होने वाला है इंडिया का ट्वेंटी थर्टी में वो ए आई को फटाफट अडॉप्ट कर रहा है ये कैसे इंडिया कर सकता है तो ऑनलाइन एजुकेशन का काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस हुआ है कोविड नाइन्टीन में और डेमोग्राफिक डिविडेंट यानी वर्किंग क्लास पॉपुलेशन जो हमारे पास है वो उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज ले सकती है ए का अभी फिलहाल तक जो भी है वो डिसरप्टिव आउटकम जो है वो देखने को मिल रहा है लेकिन क्या एग्जैक्टली exactly होगा ये नहीं बता पा रहे हैं गवर्नमेंट जो है इसमें स्टेप अप करे साइबर रेगुलेशन ज़्यादा लेके आए और जो नए चैलेंजेस ए के द्वारा पोज हो रहे हैं उसमें लोगों को ज़्यादा अवेयर करे आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बताया है कि अगर ए को कोई यूज़ करके इंडस्ट्री प्रोडक्ट बना रही है तो उस पर टैक्सेशन ज़्यादा लगाइए क्योंकि फिर वर्कर को तो जॉब दे नहीं रहे आप तो ऐसे क्या होगा आपके पास जो लेबर फोर्स को जो इनकम डिसरप्शन हो रहा है गवर्नमेंट टैक्सेशन ज़्यादा करके पैसा ज़्यादा जनरेट करके वर्कर्स को दे पाएगी और डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट को हम कम कर सकते हैं और हमें अल्टीमेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो एडवांसमेंट हो रहा है टूल्स में उसको ही इक्विप करना है एंड दैट इज़ द नीड ऑफ़ द आर सो ऑथर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है पॉजिटिव है लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक प्रिकॉशनरी स्टैंड जो है वो लेने के लिए कह रहा है प्रिकॉशनरी स्टैंड लेने के लिए कह रहा है दूसरा एडिटोरियल वुमेन के रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी से रिलेटेड था और ये एडिटोरियल क्यों आया हमारे सामने ये ओपिनियन क्यों आया क्योंकि इलेवेंथ ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है इस बार की थीम जो है वो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है अनलिसिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी अपलिफ्टिंग द वॉस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आर वर्ल्ड्स इन फाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं वुमेन से रिलेटेड इस बार का वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की हिस्ट्री की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1989 में स्टेबलिश किया था जब पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 5 बिलियन पहुंच गई थी इलेवंथ जुलाई नाइनटीन दिसंबर 1990 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को हर साल वो ऑब्जर्व करेगा टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग पॉपुलेशन इश्यूज एंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन एनवायरमेंट एज वेल एज डेवलपमेंट 11 जुलाई 1990 को 90 कंट्रीज़ ने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्ज़र्व किया और तब से हर नेशन ऑर्गेनाइजेशन और, और इंस्टीट्यूशन सालाना इस दिवस को ऑब्जर्व करता है बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स देखा जा रहा है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पॉपुलेशन ग्रोथ में अगर आप ट्रेंड की बात करें तो नियरली हमें हज़ार साल से ज़्यादा लग गए पूरी दुनिया को वन बिलियन पॉपुलेशन टच करने में लेकिन सिर्फ दो सालों में ये पॉपुलेशन सेवन बिलियन हो गई और 2011 में पॉपुलेशन ग्रोथ जो सेवन बिलियन है वो टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में सेवन पॉइंट नाइन बिलियन और टू थाउजेंड थर्टी तक एट पॉइंट फाइव बिलियन नाइन पॉइंट सेवन बिलियन हो जाएगी ट्वेंटी फिफ्टी तक और रफली अराउंड एवन बिलियन हो जाएगी इस सदी के इस सेंचुरी के एंड में इंडिया पूरी दुनिया का वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन है तो यहाँ पे वुमेन लेड डेवलपमेंट एज पर दी ऑथर एक क्रिएट होना चाहिए एक टेम्पलेट क्रिएट करना है हमें वुमेन लेड डेवलपमेंट का जहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर एजुकेशन हेल्थ केयर इन सब जगह पे वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन सब जगह पे आपको वुमेन की रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी के बारे में सोचना रहेगा रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी का मतलब सीधा ये है कि बच्चा करना है या नहीं करना है कितना करना है ये महिला की चॉइस होनी चाहिए दिस शुड बी द चॉइस ऑफ द वुमेन इन द फैमिली पॉपुलेशन स्टेबिलिटी तब आती है किसी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन uh, वाली कंट्री में जब रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ के डिसीजंस डिस्क्रिमिनेशन बायस्ड ना हो कोर्शन और वायलेंस के द्वारा ना लिए जाएं और सेक्सुअल हेल्थ सर्विसेज अफोर्डेबल हों एक्सेप्टेबल हों एक्सेसिबल हों हाई क्वालिटी की हों यानी कहीं ना कहीं हेल्थ सर्विसेज भी वुमेन के प्रति फेवरेबल होनी पड़ेंगी और वुमेन और कपल को साथ में एक म्यूचुअल डिसीजन के बेसिस पे ये डिसाइड करें कि, कि कितने बच्चे चाहिए और कब चाहिए तो ये पूरी बात है रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी की इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में इंपॉर्टेंट है इलेवेंथ जुलाई क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी सारा पॉइंट आप रीड कर सकते हैं उतना गहराई में अपने को नहीं जाना है उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया उससे रिलेटेड न्यूज़ है चंद्रयान थ्री के ऊपर अब चंद्रयान थ्री के ऊपर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं तो चंद्रयान थ्री का लॉन्च इलेव फोर्टीथ जुलाई को हम करने वाले हैं अच्छा ये फोर्टीथ जुलाई को आपके प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में होंगे बैसल डे परेड के लिए ये भी याद रखेंगे इंटीग्रेट करके पढ़ लें तो चौदह जुलाई का इंपॉर्टेंस अपने को याद रहने वाला है इसरो चंद्रयान थ्री को कौन सी जगह से लॉन्च करने वाला है श्री हरिकोटा सतीश धवन रिसर्च सेंटर से लॉन्च करने वाला है लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री से लॉन्च करने वाला है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारे लिए चंद्रयान थ्री का जो पहला मिशन था चंद्रयान टू वो किस ईयर में लॉन्च किया गया था टू में चंद्रयान थ्री के अंदर जो ऑर्बिटर है उसका क्या नाम है विक्रम ऑर्बिटर है और जो लैंडर है जो सॉरी विक्रम एक ऑर्बिटर है एक लैंडर है विक्रम और दूसरा है रोवर प्रज्ञान तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे एक ऑर्बिटर है जो मून के चारों तरफ चक्कर लगाएगा फिर एक डिवाइस है जो लैंड करेगा तो वो है विक्रम और उसके अंदर से एक रोबोट निकलेगा जो मून के सरफेस पे ट्रैवल करेगा उसका नाम है प्रज्ञान राइट चंद्रयान थ्री जो है उसको कैसे हम लॉन्च करने वाले हैं तो पहले अर्थ के अराउंड एक एलप्टिकल ऑर्बिट में उसको फंसाएंगे फिर अर्थ की ग्रेविटी को यूज़ करके वो मून की तरफ जाएगा और मून में वो एक सर्कलर ऑर्बिट में फिट किया जाएगा राइट अब ये जो पूरा इंडिया का मिशन है ये आप याद रखिएगा मून में सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला इंडिया सेकंड कंट्री होने वाला है इंडिया का डिसीजन अभी आर्टेमिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हमने आरटेमिसकॉर्ड ये जो ज्वाइन किया है इसमें सॉफ्ट लैंड कराने वाली कंट्री अगर इंडिया सेकेंड हो गई तो नासा के साथ इसरो का पार्टनरशिप काफ़ी गहरा होता चला जाएगा आर्टेमिस एकॉर्ड्स में बेसिकली इम्पॉर्टेंस ये है कि आर्टेमिस आर्टेमिसकॉर्ड एक ऐसे दौर में आ रहे हैं जहाँ पे चाइना और रशिया एक इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं आपको पता होगा 2024 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रशिया एग्जिट लेने वाला है और 2024 तक नासा और इजरो नासा और इजरो दोनों प्लान कर रहे हैं अपना ज्वाइंट ऑपरेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लॉन्च करने के लिए तो ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलने वाली है इंडिया के लिए अगर चंद्रयान थ्री हमारा सक्सेसफुल हो गया राइट अगर हम मून मून के साउथ पोल में लैंड कर गए तो एक बात समझिएगा ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं जा पाए हैं जो हमेशा मून के पीछे रहता है हमेशा एक शैडो एरिया में रहता है तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है अपने आप में इंडिया के लिए तो ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट था उसके बाद दूसरा टेक्स्ट एंड कंटेक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है ग्लोबल साउथ और इसके आने के हाइएस्ट चांसेज हैं आपके क्लाट क्लाट में हाइएस्ट चांसेज हैं आपके क्लाट में क्योंकि ग्लोबल साउथ के ऊपर पूरी डिबेट चल रही है ब्रिक्स ले लीजिए एस ले लीजिए जी ले लीजिए चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स ले लीजिए ग्लोबल साउथ के ऊपर चर्चा चल रही है अब ये ग्लोबल जो साउथ है ये सबसे पहले ये टर्म किसने क्वाइन किया था ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है 1969 में ये टर्म कार्ल्स ऑगलेस बाय ने काउ क्वाइन किया था जब उन्होंने कॉमनवील वियतनाम वॉर के ऊपर अपना एक ट्रिटाइज अपनी किताब लिखी थी और वियतनाम वॉर के ऊपर इनका ऑथर का ये कहना था कि ये जो वॉर हो रहा है ये ग्लोबल नॉर्थ खुद को सुप्रीम समझ के ग्लोबल साउथ के ऊपर डोमिनेशन कर रहा है तो ये जो अग्रीमेंट आया था ये उस टाइम पे आया था ये आप याद रखेंगे अब जो ग्लोबल साउथ का जो सिग्निफिकेंस है मैं अपनी क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ग्लोबल साउथ साउथ कोई जोग्राफिकल नहीं है यानी इक्वेटर के नीचे वाली कंट्रीज़ को आप ग्लोबल साउथ नहीं कहते हैं ग्लोबल साउथ एक तरह का पॉलिटिकल जियो और इकोनॉमिक कॉनोटेशन है जहाँ पर ग्लोबल साउथ में आने वाली कंट्रीज़ जो मैक्सिमम कंट्रीज़ है वो एम्पेलिज्म का शिकार हो चुकी हैं यानी एक कॉलोनाइज़र एक कॉलोनियल कंट्री उन पर राज कर चुका है 2030 तक ऐसा प्रोजेक्शन कह रहे हैं कि अगर पूरी दुनिया में चार सबसे बड़ी इकोनॉमी को आप देखेंगे तो उसमें से तीन इकॉनमी ग्लोबल साउथ से होने वाली है विच इज़ इंडिया चाइना एंड इंडोनेशिया और तीसरे नंबर पे यूएस होने वाला है तो ये टर्म आखिरकार वापस से न्यूज़ में कैसे आ रहा है तो अभी नाटो ने जो पूरा यूक्रेन के ऊपर जो सपोर्ट समर्थन दिखाया है रशिया को किनारे करते हुए इसमें अफ्रीका एशिया और लैटिन अमेरिका की यानी साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं वो किसी भी तरीके से यूक्रेन का समर्थन करने के लिए नाटो के पक्ष में नहीं जा रही हैं तो ये टर्न वापस से न्यूज़ में आ रहा है कि ग्लोबल साउथ का अपना एक अलग एजेंडा है अपना एक अलग से है राइट कंट्रीज जो हैं ये ये सपोर्ट नहीं कर रही हैं नाटो को और ट्वेंटी सेंचुरी में देखा जा रहा है एक शिफ्ट इन वेल्थ हो रहा है वर्ल्ड बैंक का मानना यह है कि पहले जो पूरी वेल्थ थी ग्लोबल ग्लोब की वो नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज़ के अराउंड थी आजकल वो एशिया पैसिफिक की तरफ शिफ्ट हो रही है और इससे जो कन्वेंशनल विजडम था कि पूरी दुनिया का रिचनेस कहाँ जनरेट होता है उसमें एक शिफ्ट आ रहा है यानी कि वेल्थ वेस्ट से लेके दुनिया के ईस्ट और साउथ की तरफ ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रही है अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें और जीडीपी के टर्म्स में देखें तो आपको दिखाई देगा कि ब्रिक्स नेशन का परचेजिंग पावर जो है ग्लोबल साउथ डोमिनेटेड ब्रिक्स नेशंस आर ऑलरेडी अबव ग्लोबल नॉर्थ जी क्लब तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि ब्रिक्स को किस तरीके से जी सेवन का काउंटर माना जा रहा है करंट टाइम्स में और ब्रिक्स की समिट अभी साउथ अफ्रीका में होने वाली है और ऐसे दौर में जहाँ पर साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर है कि क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट के जो वारंट इशू किया है किसके खिलाफ़ पुतिन के खिलाफ क्या साउथ अफ्रीका सीरियल रामाफोसा क्या व्लादिमिर पुतिन को अरेस्ट कर लेंगे बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे ग्लोबल साउथ एक नया मूव एक नया स्टैंड रखने वाला है अपना राइट बीजिंग में देखें तो बिलेनियर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इन कंपैरिजन टू व्हाट वाज देयर इन अमेरिका तो ग्लोबल साउथ पहले यूजली कहते थे डेवलप्ड डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाता था लेकिन आजकल ऐसा टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ करते हैं वी लार्जली यूज़ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ वाला टर्मिनोलॉजी राइट इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जैसे इनकम इनक्वालिटी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम है और लिविंग कंडीशंस काफ़ी ख़तरनाक हैं मतलब स्टेबल uh, कंडीशंस नहीं हैं राइट right? जितने भी देश अमीर हैं वो ग्लोबल नॉर्थ में हैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में बसे हुए हैं राइट नाइनटीन के बाद देखा गया पहले व दुनिया में टर्म्स चलता था फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड अभी ये कंट्रीज़ जो ग्लोबल साउथ की हैं इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता था लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और सेकेंड वर्ल्ड का ख़त्मा हो गया खात्मा हो गया ख़त्म हो गई सेकेंड वर्ल्ड तो क्या था ये फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड ये भी हम देख लेंगे राइट तो फर्स्ट वर्ल्ड जो टर्म है वो एल्फ्रेड सॉबी ने क्वाइन किया था नाइनटीन में राइट और जैसे फ़्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आप देखेंगे तो पूरा प्रॉब्लम टैक्सेशन से रिलेटेड था वहाँ पे एक नोबिलिटी थी फिर क्लर्गी थी फिर बर्जर्स थे तो उसी तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ थी सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ सोशलिस्ट कंट्रीज़ थी और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को डेवलपिंग नेशंस माना जाता था लेकिन जब नाइनटीन में सोवियत यूनियन टूटा तो सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ ख़त्म हो गई वो तो उसी कंटेक्स में ये जो कॉनोटेशन है ये भी खत्म हो गया राइट उसके बाद 1964 में पीटर वॉर्सले ने अपनी किताब में लिखा था पीटर वॉर्सले ने अपनी किताब में लिखा था थर्ड वर्ल्ड में जहां पे उन्होंने इस टर्म को थर्ड वर्ल्ड टर्म को काफी पॉपुलराइज किया था ऑलरेडी राइट तो ये सारी जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए थर्ड वर्ल्ड को बोला जाता है नॉन अलाइन मूवमेंट का बैकबोन आज वही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आपके ग्लोबल साउथ के कंटेक्स में जानी जा रही हैं तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला मैप देखना आप इस मैप को ध्यान से देखिए इस लाइन को ब्रांट लाइन कहते हैं ये लाइन जो है ये ब्रांट लाइन के नाम से जानी जाती है जो कि ग्लोबल साउथ को डिवाइड करती है और ज़रा ध्यान से देखिएगा इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नहीं है राइट तो ग्लोबल साउथ के कंटेक्स में रिसेंट ट्रेंड्स क्या देखने को मिल रहे हैं तो इकोनॉमिक शिफ्ट हमने आपको ऑलरेडी बताया है अब इकोनॉमिक शिफ्ट की वजह से पॉलिटिकली जो पावर है वो भी शिफ्ट हो रही है ग्लोबल साउथ आजकल ग्लोबल सीन में अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको अजर्ट कर रहे हैं दब नहीं रहे किसी से चाइना जैसा देश ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में पीस डील ब्रोकर करा रहा है ब्राज़ील आज ओपनली आके कह रहा है कि हम यूक्रेन के लिए एक पीस प्लान लेकर खड़े होने वाले हैं और अफ्रीकन कंट्रीज़ अफ्रीकन कंट्रीज़ यूक्रेन और रशिया विजिट कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया विजिट कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ का एक अजर्शन है उनका एक अलग से है जो हमारे सामने आ रहा है ग्लोबल साउथ ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है इस फ्लेक्सिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मसल्स दैट द डेवलपिंग कंट्रीज इन थर्ड वर्ल्ड नेवर हैड तो ये जो टर्म है डेवलपिंग कंट्रीज़ और थर्ड वर्ल्ड ये पूरी दुनिया में जो ये कंट्रीज हैं ये वाला जो रीजन है इनको दबाता था लेकिन ग्लोबल साउथ आज डट के खड़ा है ग्लोबल नॉर्थ के स्टैंड के अगेंस्ट ये एशियन सेंचुरी का ज़माना है जैसे कि इंडिया के बड़े फेमस ऑथर्स पराग खन्ना और किशोर महुबानी का कहना है कि एक एशियन सेंचुरी का जमाना है आप इसको अवॉइड नजरअंदाज नहीं कर सकते मूविंग फर्दर अहेड दूसरा जो एक्सप्लेन आया है वो फ्रांस के कंटेक्स में आया और याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं सबसे पहले फ्रांस में जो इंसिडेंट हुआ वो किस डेट का हुआ ट्वेंटी जून का हुआ जिसको फ्रेंच पुलिस ने मारा सत्रह साल का लड़का उसका नाम क्या था नाहेल मरजोक अब ये एक तरीके से फ्रांस में आप देखेंगे पुलिस वर्सेस सिविलियंस का मामला नहीं है ये एथनिक डिवाइड का मामला है क्योंकि जो लड़का था वो एल्जेरियन और मोरक्कन डिसेंट का था यानी कि अफ्रीकन व्यक्ति था जो फ्रांस में रह रहा था उसको पुलिस ने शॉट डाउन कर दिया कहाँ पे नैनतेरे में यहाँ से क्वेश्चन है इट इज़ अ स्मॉल टाउन सब एरिया ऑफ पैरिस ट्विटर वीडियो ये शो कर रही थी कि पहले पुलिस वाले ने उसकी तरफ बंदूक पॉइंट की उसको गाड़ी को रोकने की कोशिश की और जैसे ही वो भागने लगा तो पुलिस वालों ने उसको गोली मार दी 28 जून को एक वाइट मार्च प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था जैसे आपने देखा है ब्लैक सैटरडे प्रोटेस्ट है ना ये ब्लैक सैटरडे प्रोटेस्ट पे की गई थी रशिया में की गई थी और उसका नाम था ब्लैक सैटरडे प्रोटेस्ट मार्च फॉर जस्टिस ये कब हुआ था जब वैगनर ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया था और मॉस्को की तरफ मार्च कर रहे थे तो ब्लैक सैटरडे मार्च फॉर जस्टिस किससे रिलेटेड है दोस्त रशिया से रिलेटेड है ये याद रखोगे और वाइट मार्च प्रोटेस्ट किससे रिलेटेड है फ्रांस से रोलेट रिलेटेड है उसी तरीके से अपनी इंडिया में ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च जो है वो भी आप याद रखेंगे ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था मणिपुर में क्लैट ऐसे सवाल अक्सर पूछता है चेंज पैटर्न जब से हुआ है तब से इस तरीके के नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चंस जो है क्लैट के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं तो याद रखिएगा वाइट मार्च प्रोटेस्ट हुआ था नातेरे में फ्रांस में जो विटनेस किया जा रहा है वो एक्चुअली पुलिस वाले के ऊपर आरोप लगा है वॉल्ट्री होमिसाइड का पुलिस जो है वहाँ पे यंग इंडिविजुअल्स को मारती है माइनर्स माइग्रेंट्स इन ब्लैक और अरब कम्युनिटीज़ के सारे सड़क पे आ गए थे राइट right? और तीन हज़ार से ज़्यादा अरेस्ट हो चुकी है अब इसमें आप देखें तो प्रॉब्लम्स क्या है फ्रांस में तो एम्प्लॉयमेंट रेशियो कम है ब्लैक और अरब पीपल के पास काम नहीं है एजुकेशन नहीं है उनके इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं काफ़ी पुअर हैं लेकिन लोगों का कहना है कि आजकल फ्रांस में एक रेशियल पोलराइजेशन हो रहा है रेशियल पोलराइजेशन का मतलब दो तरीके के पोल्स क्रिएट हो रहे हैं वाइट और ब्लैक और फ्रेंच और फॉरेनर्स का राइट पिछले साल तेरह इंडिविजुअल्स इसका शिकार हुए थे और गोली मार दी गई थी पुलिस वालों ने और आज इस साल तीन लोग ऑलरेडी अपनी जान गंवा चुके हैं राइट अभी जो पुलिस कर रही है लोग कह रहे हैं कि ये रेशल इन है और पुलिस मिसकंडक्ट है कहीं ना कहीं आप इसमें सिस्टम में रेसिज्म जो घुसा हुआ है फ्रांस लॉ फ्रांस की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के माइंड में जो घुसा हुआ है उसको दर्शाता है राइट right? इसमें जो प्रोटेस्टर्स आए हैं राइटर्स जो आए हैं इसके विरोध में वो काफ़ी यंग हैं इसीलिए प्रेसिडेंट मैनुअल मैक्रॉन के लिए जो चैलेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं उन्होंने पेरेंट्स से कहा है जिम्मेदारी दी है कि आप अपने बच्चों को घर में रखिए और सोशल मीडिया के यूजेज पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है सोशल मीडिया कंपनीज़ में स्क्रूटनी बढ़ा दी है और तमाम तरह की चीज़ें कर रहे हैं लेकिन क्या फ्रांस में ऐसा कोई कानून है जो कि पुलिस वालों को अलाउ करता है तो 2017 में फ्रांस में एक कानून आया था जो कि आतंकवादी हरकतों को कम करने के लिए पुलिस ने एम्पावर किया था कि कोई वहीकल अगर तुम तुम्हारे से बच के भागे तुम्हारी कस्ट तुम घर तुम रोक रहे हो तुम बैरिकेडिंग लगा रहे हो और भागे तो यू हैव ऑल द पावर टू तो शॉट शूट डाउन द ड्राइवर अब उस पर्टिकुलर लॉ का जो आतंकवादी हरकतों को कम करने के लिए आया था आज उसका मिस हो रहा है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट में टेररिज्म जो है टेररिज्म जो फ्रांस में इंसिडेंट्स हुए हैं उससे रिलेटेड है आप कंप्लीटली फ्रेंच गवर्नमेंट और फ्रेंच पुलिस को ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज अफ्रीकन डिसेंट के जो मुस्लिम ओरिजिन के लोग हैं वो फ्रांस में आतंकवाद भी फैला रहे थे इसीलिए इसी शक के आधार पे हो सकता है सत्रह साल के लड़के को पुलिस वाले ने मार दिया हो तो काफ़ी चीज़ें इतनी सिंपल नहीं हैं जितना हम पहले ही प्रत्यक्ष रूप से देख के प्रोटेस्ट कर देते हैं विद्रोह कर देते हैं हम गुस्सा जाहिर कर देते हैं चीज़ें उतनी सिंपल नहीं होती हैं कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेन आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है तो पुलिस ऑफिसर्स ने वैसे भी कहा है कि ये जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं नॉट एग्जैक्टली exactly बैकवर्ड कंपनी बैकवर्ड एरियाज़ के जो लोग हैं इनमें ड्रग्स का प्रॉब्लम है नौकरी नहीं करते हैं ये लोग पढ़ते नहीं हैं इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं तो ये इन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं अब नान ते सत्रह साल के लड़के के पास पैसा नहीं है स्कूल नहीं है एजुकेशन नहीं है लेकिन वो मर्सिडीज चला रहा था ये आप याद रखेंगे ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है समथिंग इज़ अंडर द सैंड दैट वी कैनॉट सी एज ऑफ नाउ इसीलिए फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांस के प्रेसिडेंट ने एक स्पेशल रिसर्च uh, और एनालिसिस करने के लिए इस पर कहा है राइट right? अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी इंसिडेंट हमारे सामने देखने को मिला कि क्राउड फंडिंग कराई गई पुलिस वाले के ऊपर आरोप लगाए है होमिसाइड का तो क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव कराई गई और उसमें उसके लिए 1.6 मिलियन यूरोज जनरेट हो गए पुलिस वाले के लिए विच इज फोर टाइम्स हायर देन वॉट वॉज एवर जनरेटेड फॉर नाहेल तो कहीं ना कहीं ये सिस्टमिक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है आपको दिखाई दे रहा है राइट अब प्रेसिडेंट मैक्रॉन के लिए दिस इज़ वेरी टफ टाइम एंड ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे अ मैसेज ऑफ अफीजमेंट बट ऑल दो द मैटर हैज सब्साइडेड बट देन कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि ये टेंशन जो है वो परजिस्ट करने वाली है मेरिटोक्रेसी इज़ फेलिंग यानी कि काबिल लोग जो हैं वो राज नहीं चला पा रहे एनी वे लेट्स मूव अहेड विद दी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट ये एक स्टेट न्यूज से आया था मद्रास हाई कोर्ट ने क्रिमिनल केसेस जो हैं माइनर के माइनर लड़के के अगेंस्ट कंसेंशुअल रिलेशनशिप में जब माइनर लड़कियों के साथ आ जाते हैं तो उनके ऊपर अक्सर पॉक्सो का एलिगेशन लग जाता है इमीडिएट जेल हो जाती है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लग जाती है इमीडिएट जेल हो जाती है पुलिस वाले तुरंत कस्टडी में रख लेते हैं चाहे लड़का सोलह साल का हो पंद्रह साल का हो मद्रास हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में देखा कि कई बार माइनर लड़कियों ने खुद से लड़के को कहा है कि मुझे भगा ले चलो मुझे तुम्हारे साथ रहना है और ऐसे केस में लड़के को साठ साठ दिन नब्बे नब्बे दिन तक के लिए एक ऐसी बंद जगह में अकेले कमरे में बंद कर दिया गया जहाँ पर उसके पास कोई भी लीगल रिप्रजेंटेशन या रेमेडी नहीं थी अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना आपके लिए क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पुद्दुचेरी एक एक, एक, एक यूनियन टेरिटरी है जो कि मद्रास हाईकोर्ट के जो के अंदर आती है पहली चीज़ तो आपको याद रखना है तमिलनाडु के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और पुदुचेरी के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को बेंच ने जस्टिस वेंकटेश ने डायरेक्ट किया है कि आप इस तरह के केसेस को आइडेंटिफाई करिए दूसरा आप ये देखेंगे कि ये जो पुलिस हाई कोर्ट ने एफ आई क्वैश कर दिया उन बच्चों के खिलाफ लड़कों के खिलाफ वो किस पावर के अंदर किया तो हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के अंदर पावर है संविधान में जहां पे वो रेमेडीज दे सकता है और आर्ट सेक्शन 482 है सेक्शन 482 है सीआरपीसी का किसका सीआरपीसी का जो कि हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो किसी भी तरह के ऑर्डर्स पास करेगा विच इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट अदरवाइज टू सिक्योर द एंड्स ऑफ द जस्टिस यानी एफ इसको कहते हैं क्वाशिंग ऑर्डर एफ आई कहते हैं तो एफ आई आर क्वाशमेंट इनहरेंट पावर है किसका हाई कोर्ट का अंडर सेक्शन 482 एटी टू ऑफ सी आर पी सी एंड हाई कोर्ट एंजॉयज वाइड पावर टू डू जस्टिस अंडर आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इसी आर्टिकल के अंदर सुप हाई कोर्ट क्या इशू करता है आपको रिट्स इशू करता है क्या आपको यह पता है कि हाई कोर्ट का पावर आर्टिकल 226 के अंदर बहुत ज़्यादा वाइड है इन कंपैरिजन टू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 टू डू यू नो दिस नहीं पता है तो आज जान लीजिएगा हाई कोर्ट हैज़ वाइडर पावर्स विथ इन कंपेरिजन टू सुप्रीम कोर्ट वैन यूर फंडामेंटल राइट्स आर इन क्वेश्चन दूसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है केंद्र सरकार ने मणिपुर और मिजोरम को कहा है कि बायोमेट्रिक्स रखिए लीगल माइग्रेंट्स का अब ये जो पूरा सिनारी है इसमें यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला ने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर और मिज़ोरम को कहा कि आप बायोमेट्रिक्स रखिए लीगल इमिग्रेंट्स का आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि म्यांमार की तरफ से बहुत ज़्यादा इंसर्जेंट्स आ रहे हैं म्यांमार में एक मिलिट्री कु हुआ जहां पे मिलिट्री ने फरवरी 2021 हज़ार इक्कीस में टेकओवर कर लिया तो चालीस हज़ार रेफ्यूजीज़ म्यांमार से मिज़ोरम की तरफ आए जिसमें से चार हज़ार रेफ्यूजीज़ मनीपुर में एंटर किए हैं रेफ्यूजीज़ कूकी चेन और जो कम्युनिटीज़ के हैं और ये कम्युनिटी ऐसी है जो इंडिया बांग्लादेश म्यांमार तीनों जगह पे फैली हुई है इनके फैमिल फैमिली टाइज हैं लाई टिडिमजोमी लूशई हुआ लो ट्राइब्स इस तरह की कम्युनिटीज़ मिज़ोरम और मणिपुर में भाग के म्यांमार से आई है इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर कितना लंबा है वन किलोमीटर का बॉर्डर है और दोनों तरफ फैमिली वाले रिश्ते हैं लोगों के राइट मिज़ोरम गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है इन रेफ्यूजीज़ को और 2021 में चीफ सेक्रेटरीज ऑफ नागालैंड मणिपुर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश इन सभी को केंद्र सरकार ने लिखा था कि प्लीज़ आप इलीगल इन्फ्लक्स जो हो रहा है माइग्रेंट्स का म्यांमार से उसको चेक करिए और स्टेट गवर्नमेंट्स को किसी ना किसी तरीके से आ, 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 पावर देने की कोशिश की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा अगर रेफ्यूजी का स्टेटस ग्रांट करना है अगर किसी को भी रेफ्यूजी का स्टेटस ग्रांट करना है तो वो काम सेंटर का होता है ना कि स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो पावर्स टू ग्रांट रिफ्यूजी स्टेटस टू एनी फॉरेनर, राइट india is not a signatory to united nations refugee convention of 1951 and the protocol of 1967 you will remember this government of manipur and mizoram has also appointed nodal officers main officers to feed the data in the centralized portal on illegal foreigners which is maintained by bureau of immigration this bureau of immigration is under which ministry question k point of view say very important this bureau of immigration is under home ministry मूविंग फर्दर अहेड सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी कहा है कि जब से आर्टिकल 370 को हमने ख़त्म किया है डाइल्यूट किया है उसके बाद से शांति ही शांति हो चुकी जम्मू एंड कश्मीर में अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी हमारे सामने क्योंकि आर्टिकल 370 को रिवोक किया था आपने अगस्त फाइव को ठीक है अगस्त फाइव को रिवोक किया है अब देखिए किस तरह की चीज़ें आतंकवादी लोग वहाँ पर कराते थे पहले तो सड़क में हिंसा स्ट्रीट वायलेंस राइट टेररिस इसको इंजीनियर कराते थे ये सब नहीं हो रहा है वहाँ पर स्टोन uh, पेल्टिंग जो है ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होती थी जिसमें बच्चे बूढ़े वुमेन सब पार्टिसिपेट करते थे 2018 में 1767 इंसिडेंट्स थे आज की डेट में 2023 में एक भी स्टोन पेल्टिंग का इंसिडेंट नहीं है इसमें हमारे जवान काफ़ी ज़्यादा मारे जाते थे अच्छा आप वीडियोस देखेंगे जाके यूट्यूब पर तो आपके जवानों पर पत्थर मार रहे हैं उनका सिर फट रहा है लेकिन वो गोली नहीं चला रहे ये कहानी थी दो हज़ार में दो के बाद से ये सारी हरकतें बंद हो गई हैं बंद और हड़ताल घोषित कर देते थे और जम्मू एंड कश्मीर की इकनॉमी डिसरप्ट होती थी ये सारी तरीके की चीज़ें जो 2018 में एक सौ निन्यानवे मामले ऐसे देखे गए थे 2023 में मात्र 12 हो चुके हैं कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 के हटने से जम्मू एंड कश्मीर की आवाम में शांति है और कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं में एक नई एनर्जी देखने को मिल रही है ऐसा केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट के सामने कहना है ये मामला सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है कि आर्टिकल 370 को जो रिवोक किया है एब्रोगेट किया है इंडियन गव पार्लियामेंट ने क्या वो लीगल है क्या वो ऐसा कर सकती थी दैट इज़ द मैटर इज़ गोइंग ऑन सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट के सामने दूसरा मामला चल रहा है और मामले में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर इन्वॉल्व हैं अब आपको पता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या ले रखा है यूनियन uh, जो जो दिल्ली की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जो दिल्ली के गवर्नमेंट है उससे पावर छीन ली है एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि उस ऑर्डिनेंस का नाम क्या है तो उस ऑर्डिनेंस का नाम याद रखेंगे इट्स एन सी टी डेली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एन सी टी डेली एमेंडमेंट ऑर्डिनेंस तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एन सी टी डेली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस किस पर्टिकुलर एक्ट को अमेंड करता है ये ऑर्डिनेंस राइट तो गवर्नमेंट ऑफ एन सी टी डेली नाइनटीन नाइन्टी वन की एक एक्ट है जो कि आई थी और उन्नीस मई दो हज़ार तेईस को ये ऑर्डिनेंस ने उसमें अमेंडमेंट किए राइट right. इस एक्ट के अंदर क्या है इस एक्ट के अंदर एक फ्रेमवर्क है कि, कि किस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली की और गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से चलेगी इस एक्ट के अंदर वो चेंजेस किए गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को 17 जुलाई में एक इंटरिम प्ली के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक पार्टी बनाया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर वी सक्सेना ने आदेश दिया था जहाँ पर फोर इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपॉइंट किए थे है ना इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स मतलब अपने तरीके से अपॉइंट किए थे लोग उनको उनको नौकरी से निकाल दिया अब 437 लोग अचानक से क्या कर रहे हैं अपनी नौकरी से हाथ धो के बैठ गए हैं तो यहाँ पे ये लोग पिटीशन डाले सुप्रीम कोर्ट के सामने तो सीनियर एडवोकेट एम सिंघवी और सदान फरासत ने पर्टिकुलरली कहा है कि अगर आप इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को देखिए ध्यान से तो एक तरीके से काटे ब्लैंक के लगा रहा है ब्यूरोक्रैट्स पर राइट कि वो मंत्रियों की ना सुने व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्टे ब्लैंक कंप्लीट बैन लगा रहा है कंप्लीट पूरी तरीके से जो आई ऑफिसर्स हैं दिल्ली के वो किसके अंदर आ गए लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर आ गए अब लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर अगर आई ऑफिसर्स आ गए तो वो मुख्यमंत्री की फिर दिल्ली में क्यों ही सुनेंगे इस तरीके की बातें यहाँ पे चलने को देखने को हमें मिल रही हैं और ये याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के पाँच जजेस के बेंच ने अभी एक जजमेंट दिया था जिसमें ये कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो डेली का है विथ रेस्पेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर दिल्ली में क्या पब्लिक ऑर्डर है दिल्ली में पुलिस जो है और दिल्ली में ज़मीन के जो मामले हैं ये सब इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास रहेंगे लेकिन जो ऑर्डिनेंस आया उसने ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को टर्न अवे कर दिया और ये सारे मामले लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर डाल दिए हैं बात है आर्टिकल टू थ्री नाइन डबल ए की आर्टिकल टू थ्री नाइन डबल ए ये इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे कि कौन सा ये दिल्ली को एक तरीके से स्पेशल स्टेटस कह सकते हैं आप देता है जहाँ पे दिल्ली के पास अपनी एक लजिस्लेटिव असेंबली भी है और दिल्ली के पास अपनी लजिस्लेटिव असेंबली भी है और दिल्ली एक यूनियन टेरेटरी भी है ये कब आया था ये सिक्सटी नाइन्थ अमेंडमेंट के थ्रू आया था ये याद रखिएगा सिक्सटी नाइन्थ अमेंडमेंट के थ्रू नाइनटीन नाइन्टी वन में जोड़ा गया था विल यू रिमेंबर दिस राइट सो अब उसके अंदर एक दूसरा इंपॉर्टेंट आपको ये देखने को मिलेगा कि एक अथॉरिटी भी क्रिएट की गई है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी क्या करती है ये बेसिकली अपॉइंटमेंट करती है अधिकारियों का दिल्ली में जो भी आपको करना है अब इसके अंदर मेंबर्स कौन कौन है इसके अंदर मेंबर्स हैं तीन इसका चेयरपर्सन कौन है चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर किसका है दिल्ली के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि हम कह सकते हैं इसको एक तरीके से मान लें स्टेट गवर्नमेंट है राइट लेकिन इसके बाद इसके जो बाकी दो मेंबर्स हैं जो चीफ सेक्रेटरी है और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी है ये याद रखिएगा ये आई ऑफिसर्स हैं यूनियन गवर्नमेंट के अब डिसीज़न कब भी लेना होता है तो टू इस टू वन के रेशियो में आ जाता है और सी एम माइनॉरिटी बन जाता है सी एम अपना डिसीज़न लागू करा ही नहीं पाता क्योंकि बाकी दो व्यक्ति जो हैं वो केंद्र सरकार के हैं तो इनकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे जो आपका आ, जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुनवाई कर रहा है फिर बैसल डे परेड पे आपके नरेंद्र मोदी 14th जुलाई को जाने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं रफेल और स्कॉर्पिन क्लास सब को इंडक्ट कराने के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सारा डिसीजन कौन लेता है डिफेंस एक्विजीशन काउंसिल लेती है डिफेंस एक्विजीशन काउंसिल के चेयरपर्सन डिफेंस मिनिस्टर होते हैं राइट और ये एपेक्स बॉडी है जो कि डिसाइड करती है कि क्या इंडिया परचेज करेगा क्या नहीं करेगा मूविंग फर्दर अहेड जोई बाइडन और ऋषि सुनाग की आपस में मीटिंग होने हुई है यूनाइटेड किंगडम में वहाँ के राजा से भी मुलाकात की है इन्होंने नाटो समिट के पहले क्वेश्चन है नाटो की ये समिट होने कहाँ वाली है लिदवानिया में होने वाली है विलनियस में होने वाली है ये याद रखेंगे आप राइट मीटिंग इनकी कहाँ पे हुई टेन डाउनिंग स्ट्रीट में हुई दैट इज़ समथिंग दैट यू विल रिमेंबर बात इन्होंने डिस्कस किया स्वीडन के मेंबरशिप पे अब स्वीडन को नाटो का मेंबर बनाना है इसमें ऑपोजिशन किसकी तरफ से आ रहा है इसमें ऑपोजिशन लार्जली पहले तो फ्रांस भी कर रहा था अभी टर्की और हंगरी भी कर रहे हैं अब टर्की क्यों ना स्वीडन की मेंबरशिप एक्चुअली क्या है नाटो में इकतीस के इकतीस देश जो हैं वो साइन करेंगे तभी जाके स्वीडन मेंबर बनेगा और टर्की और हंगरी अभी साइन करने को रेडी नहीं है तो मिस्टर बाइडेन और ऋषि सुनाक ने अभी डिस्कस किया है कि, कि किस तरीके से हम विलिनियस समिट में स्वीडन की परमानेंट मेंबरशिप को आगे ले जा सकते हैं और टर्की को समझा सकते हैं टर्की ने यह कहा है कि स्वीडिश में जो है वो कुर्दिश लोगों को कुर्दिश सेपरेटिस्ट तो कुर्दिश एक इलाका है टर्की में जैसे जम्मू एंड कश्मीर भारत में वैसे ही टर्की में भी कुर्दिश इलाका है वहाँ के जो आतंकवादी हैं वो सारे के सारे स्वेडन में जाके बस चुके हैं तो स्वेडन को हम नाटो का मेम्बर नहीं बनाएंगे तय पर्दोगन ने यह भी कहा कि हम टर्की यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता है 2016 में और उसके बाद से कोई सुनवाई नहीं हुई है तो टर्की को यू का मेंबरशिप भी बनाइए राइट उसके बाद ऋषि सुनाक और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में अटलांटिक डिक्लेरेशन को लेकर बड़ा बहुत अच्छा डिस्कशन होने वाला है अटलांटिक डिक्लेरेशन है क्या तो अटलांटिक डिक्लेरेशन डेक्लेरेशन एक तरह का इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क है जो कि यूएक यू और यूएस के बीच में साइन होगा और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में कंटेक्स में बात होने वाली है यूके आज एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है यूरोपियन यूनियन को छोड़ने के बाद उसको अपनी जगह पूरी दुनिया में अलग से बनानी है और वो एक इंटरनेशनल ए आई कॉन्फ्रेंस जो है होस्ट करने वाला है तो ये भी एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए उसके बाद जो चीफ डिग्नेटरीज हैं उनके नाम ही आप याद रखेंगे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन हो गए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन हो गए और जॉन कैरी इज़ अ स्पेशल मिस्टर बाइडन के स्पेशल एनवाइफ और क्लाइमेट हैं ये सब याद रखेंगे राजा वहाँ का जहाँ बैठता है कहाँ का ब्रिटेन का राजा उसका नाम है विंसो कैसल जहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस के डिस्कशंस में दोनों कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं उसके बाद आज के करंट अफेयर्स में एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है सोलोमन आइलैंड्स और चाइना ने आखिरकार पुलिस इकोनॉमी टेक को लेके एक डील करी है और जो सोलोमन आइलैंड्स के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं दैट इज़ माना से सोगावारे दैट नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे में ये डील जो है सोलोमन आइलैंड्स दो किलोमीटर का एक नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में चाइना का बिगेस्ट सक्सेस कैंपेन माना जा रहा है राइट टू थाउजेंड में टू में मिस्टर सोगावारे ने uh, जो ताइवान को रिकगनीसन देते थे वो चेंज करके बीजिंग को रिकग्नीसन दे दिया है एज अज एन इम्पॉर्टेंट यू नो चाइनीज़ रिप्रेजेंटेशन राइट ये आइलैंड जो है ये सेल्फ गवर्नड डेमोक्रेसी है और कम्युनिस्ट पार्टी इसको रूल कर रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है राइट right. इंपॉर्टेंट ये है कि ये सोलोमन आइलैंड्स को ये वाले आइलैंड्स को चाइना अपने मैरीटाइम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए यूज कर रहा है लेकिन ध्यान से जरा इस रीजन को देखिएगा ये जस्ट नेबर रीजन है एंड दिस इज पेपुआ दिगिनी राइट यहां पे आपके प्राइम मिनिस्टर अभी थर्ड एफ आई मीट में गए थे याद है आपको तो पेप्य निगिनी इज सो क्लोज टू सोलोमन आइलैंड्स नाउ यू कैन सी द पावर टसल बिटवीन इंडिया एंड चाइना दैट इज़ गोइंग ऑन विथ रेस्पेक्ट टू साउथ पैसेफिक ओशन और नॉर्थ पैसेफिक ओशन अराउंड ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया को आपने क्वाड का भी मेम्बर बना रखा है नाओ यू कैन अंडरस्टैंड द पावर प्ले दैट इज़ गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर रीजन सो दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्राम टूडेज अनालिसिस आई होप यू गाइज इन्जॉयड द सेशन कैसा लगा आपको सेशन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बनाइएगा बताइएगा और हमारे साथ बने रहिए क्लैट पॉसिबल ब्रिंग्स यू वेरी इंटरेस्टिंग इन्साइट्स इन टू द हिंदू अनालिसिस इन दिन इन टू द हिंदू न्यूज़ पेपर एंड प्लीज़ जितने भी पॉइंट्स क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं यहाँ पर आप ये वीडियो रिवाइंड करिए उन सभी चीज़ को अपनी नोट्स कॉपी में उतारिएगा क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई हैं और एडिटोरियल्स को प्लीज़ इस सेशन के बाद आप इन डेप्थ पढ़ेंगे थैंक यू सो मच आई एल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट